ग्रिल पैन में ये शेप भी आ गया। अब आप देखें इसमें चीनी आपने डाली है, चीनी डाली है दो प्याली, दो कप, और इसके साथ इसको आपा बस बना रही है, कोई बड़ा कोई छोटा जो भी बन जाए खैर है आपा बस ठीक है। ये इतने सारे फुल ऑफ नट्स का मजेदार ये बेसन के लड्डू, ये देखें क्या बात है, ये सिंपली शेप देना। अच्छा अभी जो आपने नज़र आ रहा है वो है मटन टिक्का मसाला, आपके सामने ही आपा ने तमाम मसाले उसमें लगा दिए थे, थोड़ा सा ऑयल ग्रिल पैन पे डाला है और इसको इसका पानी निकल रहा है ना, अब इसको बेटा जरा से चम्मच से ऊपर नीचे कर लो हाँ, ताकि जो है ना आपा वो हो जाए ऊपर की तरफ से भी थोड़ा सा। जब तक आपा लड्डू बना रही हैं इस तरफ से थोड़ा इनका काम कर लेंगे, अभी टर्न हो जाए, पानी खूब निकला आपा इनमें। हाँ पपीता मिला हुआ था ना जी, मैरिनेट करके आपने जो रखा था, और मैरिनेट भी करना ज़रूरी है ना आपा, वरना तो कभी जल्दी नहीं लगा के तो रखना ही पड़ता है, तकरीबन आप इसको 2 घंटे के लिए ज़रूर रख दें ताकि गल जाए, स्पेशली मटन या बीफ को, चिकन को तो ज़रूरत ही नहीं। सही, इनको ज़रूरत है तो इनके लिए करना है। ओके एक इस पीस को थोड़ा सा टर्न करते हैं ताकि हो जाए, और एक तरफ लड्डू हैं, पराठे भी रेडी हैं मूली के, उसके साथ थोड़ा सा रायता अपन ने बनाया है वो है दही का, सिंपल। ये सब टर्न हो गई हैं बस, अभी इस तरफ से हो जाए पानी खुश्क हो जाए ये हो जाएंगी रेडी। ओके ना रख देते हैं। अच्छा मैसेजेस की तरफ आप आ जाते हैं थोड़ा सा, जो 888 पर तो सारे लोग आंसर दे रहे हैं, मैं नाम एक बार शेयर कर देती हूँ, निशा फ्रॉम कराची, मानी फ्रॉम कराची, मारिया फ्रॉम लाहौर, और इसके साथ साथ कौन है ये मधिया फ्रॉम लाहौर, साजदा रावलपिंडी से, और कवल फ्रॉम कराची, सदफ कराची से। अच्छा और ये किसका बर्थडे है, तो आपका मैसेज बेसिकली मैंने आपको पहले भी कहा था कि 888 पर पूरे मैसेज नहीं आ पाता जब आप बड़ा मैसेज दे रहे होते हैं, प्लीज़ इसको दोबारा सेंड कर दीजिए छोटा करके, क्योंकि आपने इसी में आंसर भी दिया अपना नाम भी लिखा है, तो आप दोबारा से अपना मैसेज जो है भेज दीजिए हमें। ओके कॉलर से बात करते हैं, क्वेटा से नुसरत जी से। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जी? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से? आपा कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। और आपके सवाल का जवाब है आलू, शलजम, गाजर, मूली। ओके ओके नोट कर लिया, ठीक है। और कुछ पूछना है आपने नुसरत जी? आपा सब आपकी लाइन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है आवाज़, हाँ आपकी सही नहीं आ रही थी और ड्रॉप हो गई आपकी लाइन, सो सॉरी, आप कॉल के थ्रू या फेसबुक के थ्रू। अच्छा ये करते हैं कि इसको हम किसी देगची में डाल के इसका पानी खुश कर लेते हैं। हाँ क्योंकि आप इसका ग्रिल पर तो हो नहीं रहा। तो फ्राइंग पैन ले लो ये वाला, और इसको बेटा ये कपड़ा रखा है ना मेरा यहाँ रखा था, मैं ये ले लेती हूँ, इसे पकड़ के ना इसमें उंडे लो ताकि इसका पानी जल्दी खुश्क हो जाए, क्योंकि जगह छोटी है तो मैं डालती हूँ। ठहर नहीं आपा, मैं कोशिश नहीं, ठहर जो मैं करती हूँ। ठहर जा, किसने सोचा था इतना ग्रिल पैन हैवी बनाने के बारे में। पहले भी मैं डालती हूँ ना तो ज़्यादा जल्दी हो जाता। अच्छा मैंने कहा आप यूजुअली इसी पैन के लिए कहती हैं तो इसलिए मैंने इसमें ले लिया। चाय भी नहीं पी आज, हाँ काम ज्यादा हो गया, हाँ और इतने सारे लड्डू बनाने हैं। अच्छा जी कॉलर एक और है सना जी फ्रॉम शारजा, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। ज़रा मुझे आपसे दो बातें पूछनी है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एक तो मेरी बेटी को शदीद खांसी रहती है, इसकी 6 साल है। अच्छा और जो है ना दूसरा ये कि वजन कम करने का और पेट कम करने का मुझे कुछ तरीका बताइए। खांसी कैसी है? ड्राई कफ है, खांसी रहती है बहुत, खांसी से ना उल्टी रहती है, बहुत मसला है। कैसी ड्राई है?
हाँ ड्राई सांस लिए। अच्छा ओके, और एक पेट कम करने का तरीका बताएं, और अगर ये जो आप चीज़ें यूज़ जिसमें कच्चा पपीता ना हो तो फिर बंदा क्या यूज़ करे? बेटा कच्चा पपीता अगर नहीं मिलता तो आप पक्का पपीते के छिलके इस्तेमाल कर लो। और फिर मैं टीवी के पास जाती हूँ तो मुझे पेट कम करने का तरीका और मेरी बेटी की खांसी की जरूर तो बताइएगा। ठीक है ओके, थैंक यू अल्लाह हाफिज़। पेट कम करने का तो बेटा कुछ भी नहीं है, खाने के दौरान पानी नहीं पियो, रोटी चावल साथ नहीं खाओ, थोड़ी बहुत वॉक करो, सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो अगर, और घर में एक कमरे में पोछा लगाओ सांस अंदर लेके, और कुछ टाइट चीज़ पहना करो जिससे पेट को सपोर्ट रहे, पेट कम हो जाता है। खाने के दौरान बिल्कुल पानी नहीं पियो वरना पेट बहुत बहता है उससे। ठीक है बेटा, खुश हो जाए। ये अच्छा आपने सोचा कि इसको उसमें, और उसके बाद आपने उसके बच्ची की खांसी के लिए अगर ड्राई खांसी है तो एक तो तुम उसकी बाँह पे स्याह कपड़ा बांध के रखो, उल्टी नहीं होगी, और दूसरे ये कि खांसी अगर खुश्क है तो थोड़ी सी चीनी फका दिया करो, ठीक है, और एक मुनक्का लेके उसमें चीरा लगा के उसमें काला नमक लगा के सुबह सुबह तवे पे सेक के उसको खिला। ठीक है तो ये हो गए क्वेश्चन के आंसर। आप ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में बाकी और लड्डू और इसका पानी खुश करके इसको भी रेडी कर देते हैं। ठीक है, ये है मटन टिक्का मसाला जो कि रेडी हो जाएगा, खुशबू मज़े की आ रही है, बस जैसे ही पानी खुश्क होगा ये रेडी हो जाएंगे। लड्डू आपके सामने बन रहे हैं कि जी ये हैं बेसन के मज़ेदार क्रीमी क्रीमी अच्छे से लड्डू, और मूली के पराठे तो बहुत पहले ही रेडी हो गए, तो जो टेबल पे पहुंचे हुए बस इसको प्लेटर में शिफ्ट करते हैं और आपके सामने पेश करेंगे। बाकी क्वेश्चन का आंसर जो लोग पूछ रहे हैं वो भी हम शेयर करेंगे, पर आपके पास भी एक सवाल है जो कि हम आपसे पूछ रहे हैं मैगजीन के लिए, मसाला मैगजीन के लिए, और आपने बताना है कि जी ज़मीन के नीचे अंदर उगने वाली कोई भी दो सब्जियों के नाम, वो 888 पर जल्दी जल्दी सेंड करें। अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक और फिर जल्दी से हम ज्वाइन करते हैं आपको। बेसन के लड्डू अज्जा में अब जामे शीरी तीन नई वैरायटीज में शुगर लाइट लेमन और कैल्शियम एनरिच्ड फ्रेशी। प्रोग्राम हनी जहाँ पर मजेदार से ये मटन मसाला टिक्का बन रहा है, कलर आप देखें ये बड़ी मजे के हो गए, इसका पानी खुश करके वापस ग्रिल में डाला, हाँ डाल दिया कि पैन में सिक जाए और ये सिक गए बिल्कुल। ठीक है इसको अब इसको बंद करते, अब इसको चमचा से निकाल लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये देखें क्या अच्छे से हो गए हैं, ये कल वाला जादू आज भी हो रहा था, यहाँ से चीज़ें गायब हो रही थी तो ये टिक्के पे नज़र थी लोगों की कि खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, और आपा के लड्डुओं पर इल्ज़ाम भी लग गया ब्रेक में, इल्ज़ाम ये लग गया कि ये शादी वाले लड्डू हैं, ये शादी जो खाएगा वो उसकी शादी हो जाएगी, तो बड़े यहाँ पर उम्मीदवार थे, बड़े खुशी खुशी सब लोगों ने लड्डू उठाए थे, लड्डू खाना चाहिए और शादी हो, जिनकी हुई भी हैं वो भी खुशी खुशी वो भी आ गए। हाँ ये देखें ज़रा जिनकी हुई भी हैं वो भी खुशी की चले दूसरे का चांस बना रहे हैं। अच्छा जी तो चले जब तक ये यहाँ पर आपा ये मैंने रखा। मगर मेरे बहनों ने सबसे अच्छी बात की थी, निकाह के वक्त जब काजी ने उनसे कहा आप कबूल है तो बोले साहब सोचने दीजिए जिंदगी भर का मामला। सही कहा आपा, जिंदगी भर का मामला है, तो जब ऐसे शादी को लेकर बदनाम बड़े कर देते हैं लोग, जैसे शादी के लड्डुओं पर बड़ी बात है ना कि जब बारात देखते थे ना हमेशा रुकते थे और उसको उस पर कुछ पढ़ते थे तो बहन पूछनी थी आप क्यों रुके, बारात जा रही है ये तो, तो बोले बस मैं जो जा रहे हैं आज फिर जहरा एक और बेवकूफ़ बन गया। हाँ भाई ये बड़ी बात है, वैसे लोग बड़ा कहते हैं कि शादी जो है ना करके पछताएंगे, तो जिस लड्डू पे कहते हैं ना कि अच्छी शादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, और अच्छी शादी वही कहलाती है जिसमें मियां बीवी में आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, गुर्बत में भी इमारत में भी दोनों को,
जब ही आदमी खुश रहता है वरना नहीं। बिल्कुल, अच्छे बुरा वक्त सब पर आता है, लेकिन ये कि बस अपनी ख्वाहिशात को कम रखो तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। बिल्कुल, एक दूसरे को समझना चाहिए। हमारे डायरेक्टर कह रहे हैं मियाँ बहरा होना चाहिए और बीवी गूंगी हो ताकि बोले ना और वो सुने ना। अब बेटा फिर बच्चे तुतले हुए तो पूरा खानदान बीमार कहलाएगा, फायदा नहीं। हाँ देख ले, सुन ले क्या क्या बातें हो रही है। अल्लाह, अच्छा शादी के लड्डू होता है ना, उस पर तो गाने भी बड़े बने, जो खाए ना पछताए, जो खाएगा पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो ही पछताएगा, तो क्यों ना खा के पछताएं। हाँ, तो फिर अच्छी बात है जब पछताना दोनों सूरतों में। तो ये भी अच्छा जनाब, ये भी हो गए, ये भी हो गया, लेमन भी रख दिया, हरी मिर्ची भी लगा दी, और ये यहाँ पर मसाला मटन मसाला टिक्का भी रेडी हो गए हैं, लड्डू भी रेडी है। पराठे बेटा इसमें रख ले। ठीक है, उसमें अच्छा ठीक है आपा, हम जब तक टेबल यहाँ पर सेट करते हैं हम रीकैप दिखाते हैं हमारे व्यूअर्स को, ताकि आप लोग रीकैप देखें, हम साथ साथ क्वेश्चन भी रिपीट कर देते हैं। आपने बताना है जमीन के नीचे उगने वाली कोई भी दो सब्जियों के नाम 888 पे बताएं। कल के विनर्स भी हमने अनाउंस करने हैं दी वार्डरोब की तरफ से, जिनको ड्रेस गया है, और मसाला मैगजीन किसके पास जाएंगे तीन तीन वो भी हमें बताना है। बस टेबल सेट करते हैं, आप तीनों रेसिपीज की जो मजे की बनी है उनका रीकैप चेक करें, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग आपको जल्दी से ज्वाइन करते हैं। बेसन के लड्डू अज्जा, बेसन आधा किलो आटा, एक प्याली चीनी, दो प्याली छोटी इलायची 8, उबले और बारीक कटे बादाम 20, उबले और बारीक कटे पिस्ते 20, घी 2.5 प्याली, चीनी 1 चाय का चमचा, 4 मगज हस्बे जरूरत। तरकीब, एक कढ़ाई में 2.5 प्याली घी गरम करें और इसमें 1 चाय का चमचा चीनी के साथ पिसी हुई 8 छोटी इलायची डालकर भून लें। अब इसमें आधा किलो बेसन शामिल करके अच्छी तरह भूनें, जब बेसन ब्राउन होने लगे तो इसे निकाल लें, फिर 1 प्याली आटा डालकर भून लें, जब खुशबू आने लगे तो आटा भी निकालकर बेसन में मिला दें। इसके बाद 20 उबले और बारीक कटे बादाम, 20 उबले और बारीक कटे पिस्ते और हस्बे जरूरत 4 मगज शामिल करके भूनें और इन्हें भी बेसन में मिलाएं। जब वो अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो इसमें 2 प्याली चीनी मिलाकर खूब अच्छी तरह गूंदें। इसके बाद हाथ से जरा सी चिकनाई लगाकर लड्डू बना लें। बेसन के मजेदार लड्डू तैयार हैं। चटपटे मूली के पराठे अज्जा, आटा आधा किलो, सफेद मूली आधा किलो, बारीक कटा पुदीना 1 गठी, लीमू 2, बारीक कटी हरी मिर्च 3, भुना और पिसा सफेद जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च, मैदा 1-1 खाने का चमचा, अनारदाना 2 खाने के चमचे, घी या तेल हस्बे जरूरत, नमक हस्बे जायका। तरकीब, एक तसले में आधा किलो आटा और हस्बे जायका नमक मिलाकर नीम गर्म पानी से गूंथ लें। अब आधा किलो कद्दूकश की हुई सफेद मूली का अपना पानी खुश कर लें, फिर 2 खाने के चमचे अनारदाना बारीक पीस लें। अब अनारदाना 1 गठी, बारीक कटा पुदीना 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना और पिसा सफेद जीरा, हस्बे जायका नमक, 3 बारीक कटी हरी मिर्च और 2 लीमू का रस मिलाकर एक पेड़ा बनाएं। अब इसे रोटी की तरह बेल कर तैयार की हुई मूली रखें और किनारों पर थोड़े पानी में घुला हुआ 1 खाने का चमचा मैदा लगा दें। अब दूसरी रोटी बेलकर इस पर रखें और किनारे दबाकर बंद कर दें। इसके बाद तवा गरम करके तैयार किया हुआ पराठा दोनों तरफ से सेंक लें, साथ ही लकड़ी के चमचे से हस्बे जरूरत घी या तेल लगाएं। गोल्डन ब्राउन होने पर पराठा उतार कर इमली की चटनी और रायते के साथ सर्व करें। मटन टिक्का मसाला अज्जा, बकरे का गोश्त आधा किलो, लीमू 3, भुना और पिसा सफेद जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च, पिसा हुआ कच्चा पपीता, अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 खाने का चमचा, टिक्का मसाला 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे जरूरत, नमक हस्बे जायका। तरकीब, पहले आधा किलो बकरे के गोश्त को धोकर 1 प्याली में डालें। अब इसमें 3 लीमू, 1 चाय का चमचा भुना और पिसा सफेद जीरा, 1 खाने का चमचा कुटी लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा पिसा हुआ कच्चा पपीता, 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चमचे टिक्का मसाला और हस्बे जायका नमक मिलाकर आधे घंटे के लिए रख दें। अब इन्हें सीखों पर लगाकर सेंकें या फिर ग्रिलर पर चिकनाई लगाकर सेंक लें। जब पानी खुश्क हो जाए तो ब्रश के जरिए इन पर थोड़ा तेल लगा लें। मजेदार मटन टिक्का मसाला तैयार है। मटन टिक्का मसाला अज्जा, बकरे का गोश्त आधा किलो, लीमू 3, भुना और पिसा सफेद जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च, पिसा हुआ कच्चा पपीता, अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 खाने का चमचा, टिक्का मसाला 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे जरूरत, नमक हस्बे जायका।